हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग एसएससी की ओर से स्टेटस जारी किए जा रहे हैं। ऑलरेडी 4 से 5 रीजन के स्टेटस जारी किए जा चुके हैं, आज एक रीजन का और स्टेटस जारी हुआ है। किस रीजन का स्टेटस जारी हो चुका है और किस रीजन का स्टेटस अभी आना बाकी है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस किस रीजन का स्टेटस अभी जारी हुआ है। जो आप लोगों का एनआर रीजन होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेट रहती है कि एनआर रीजन का कब आएगा, उसका फाइनली आज स्टेटस आ चुका है। कैसे आप लोग स्टेटस चेक करोगे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। उससे पहले ये भी बता देता हूं कि किस किस रीजन का स्टेटस आ चुका है और किस किस रीजन का स्टेटस अभी तक नहीं आया है। जो आप लोगों का सीआर रीजन वाला है यूपी और बिहार का, इस रीजन का स्टेटस अभी जारी नहीं किया गया है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन कोलकाता, इस रीजन का भी स्टेटस आ चुका है। देन जो आप लोगों का मुंबई वाला रीजन है वेस्टर्न रीजन, इसका स्टेटस अभी नहीं आया है। तो जो भी कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका स्टेटस नहीं शो हो पाएगा कि उनका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है। जो आप लोगों का सदर्न रीजन है इसका स्टेटस आ चुका है। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो चंडीगढ़ वाला रीजन है इसका स्टेटस भी अभी जारी नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों का केकेआर रीजन है इसका स्टेटस जारी हो चुका है और जो ईस्टर्न रीजन है इसका स्टेटस कल जारी हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न वाले का। उसके बाद देख लेते हैं जो एमपीआर रीजन वाला है इसका स्टेटस अभी जारी नहीं हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट एमपी एंड छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं वो भी अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अभी एनआर वाले कैंडिडेट है वो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को एनआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये आप लोगों की एनआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप लोग उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का पॉपअप आ सकता है जिसमें लिखा रहेगा योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो आप लोगों को इससे डरना नहीं है, आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों के सामने आप लोगों को एडवांस वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू www. जो एनआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोगों को उस वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो एसएससी एनआर की वेबसाइट होगी। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों के सामने एक नीचे ही सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। ये आप लोगों की एसएससी एनआर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। जैसे ही आप लोग ये साइट ओपन हो जाएगी आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को जो सबसे पहला नोटिफिकेशन में एसएमएस दिखाई देगा मैसेज, तो उसमें यही रहेगा कि आप लोगों का जो साइंटिफिक असिस्टेंट का स्टेटस है वो एसएससी की ओर से जारी कर दिया गया है। तो आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही ये लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक नए इंटरफेस पर पहुंच जाओगे जहां पर आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। तो आई एग्री पर क्लिक करते ही आप लोगों के पास एक फिर से नया विंडो ओपन होगा, इसमें आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इस लिंक का इसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग डायरेक्टली इसी पेज पर पहुंच जाओगे जहां सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना स्टेटस देखना है। स्टेटस कैसे चेक करोगे, यहां पर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल कर लेना, देन यहां पर अपना फादर्स का नेम और देन उसके बाद आप लोग अपने DOB बर्थ डालकर सर्च कर लेना, तो आप लोगों का स्टेटस शो हो जाएगा। बाकी और एक तरीका हो रहा है आप लोगों को स्टेटस चेक करने का एनआर वाले, आप लोग अपना यहां पर नाम फिल कर लेना, यहां पर पापा का नाम, देन उसके नीचे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहां पर सर्च कर लेना, तो आप लोगों का स्टेटस जारी हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को अपना स्टेटस चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हर एक ब्रांच के, वो मैंने आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप आई स्टडी, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप में सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा रखे हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर होगा नॉन टेक्निकल वाला, जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश पूछी जाएगी, उनके भी मैंने सारे प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा रखे हैं। उसके बाद करंट अफेयर बचती आप लोगों की 6 महीने की, वो मैंने ऑनलाइनर की फॉर्म में और MCQ की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप लोग जाकर के वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है, उस ग्रुप से जाकर के पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इसके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एसएससी की ओर से आप लोगों के एडमिट कार्ड के लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे द्वारा आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।